मैं रिया करने वाली हूँ ऑन वाह बेड एंड वॉच कर दी एपिसोड 88 डैंक इंडियन मीम्स बाय मीमापुर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल निखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। दैट्स अ फ्रूट बींदी। ऐसे क्यों कर रही है? बिंदी बैंगर कैसे हो मियापुर वासियों, मियापुर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर वीडियो बस आप लोग को हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो का जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस हेडफोन लगा लो एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनीषा प्लीज मेरी अगली पिक्चर में डायलॉग राइटर बनने के लिए। हम अपने वीडियोस का जो भी रहता है वो खुद ही स्क्रिप्ट खुद ही लिखते हैं। आज से तेरा नाम बसंती। बसंती हाँ। तो आप ये भी बोलेगा इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। और हनीमून पैकेज जीतने वाले का नंबर है 367890। मुझे लगा, अरे मुझे लगा, देखो 367890 देखना है ना 367890। क्या जीता है तुमने? अरे हनीमून पैकेज। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ सर, नमस्कार सर, विवेक सर। नमस्कार नमस्कार, आपका एक फेवरेट स्टूडेंट, आपका एक शिष्य हमारे साथ बैठा है, बॉबी राज। आप बात करना चाहेंगे बॉबी से? जरूर जरूर। लो बॉबी बात करो। प्रणाम सर। 19 का पढ़ा सुनाइए। वाओ, मुंह बंद। गोल्फ कोर्स है जी, अंदर को पूरा मैदान। यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं जी? हाँ, गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ कोर्स, नाइस। आपने तो कभी खेला नहीं होगा जिंदगी में गोल्फ? खेला अमीर लोगों के गेम है ना। सही में नहीं खेला। बताना गोल्फ में क्या होता है? बॉल होती है, छेद में डालना होता है। होल्ड अप, यार ये समझ नहीं आ रही। अरे आ गई तस्वीर जी, वो है नरगिस फकरी, जैकलिन फर्नांडिस, हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलिन फर्नांडिस, और ये लीजा हिड। अच्छा, तो बिना मेकअप कैसी दिखती है? कौन हो, कौन तू? लंकेश, मुकेश का भाई तो लतेश है। तुम कौन से एंगल से अपने आप को रावण कहते हो? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सर देखना चाहते हो? हाँ चलो बाहर। क्यों, बाकी के बाहर रखे? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे। तुम्हारे अंदर यार थोड़ा सा वो नहीं है। क्या चीज़? पीछे लड़के का चोट लगी है, तुमने एक बार पूछ रहे? नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया साहब। देखो, पूछोगे नहीं क्या हुआ इसको? क्या कैसे हुआ? बोलते थे चील आता, चील निकाल के जाता था आँख। अच्छा अच्छा, पता है ना? हाँ। तो मैंने इसको बोला भाई तू चील, मतलब चील आ रहा है, आँख बंद कर ले। अच्छा, अच्छा। इसने ये माना नहीं मेरी बात, कह रहा कुछ नहीं होता, ये अपने घमंड में। मैंने तो अपनी आँख बंद कर ली। हाँ। अब फिर इसका निकाल के ले गया आँख। बोले बाबा। अब वो क्या है, मैंने देखो इसको रात में ही और था बहुत ज्यादा परेशान, तो रात में एक आदमी का पकड़ के हमने देखो रहा है, ये आँख निकलवाया इसका, एक तो लग जाएगा। अच्छा। हाँ, और जो दूसरा आँख है उसके लिए अभी तलाश चल रही है, कहीं से मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अरे बाहर कहाँ जा रहे हैं? Don't get suckered into that. That's good advice. Yeah, and education and finances. Save your money. Don't buy stupid shit. Because what do they say? You're not ugly. You're only poor.
यहाँ पर मलाइका को मनीषा को पकड़वा मनीषा को सारी उम्र में जो आजकल के युवाओं में ना कम एज में ही लोगों के बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कोई नुस्खा बताएंगे जिससे कि इस समस्या से निजात मिल जाए। देखिए, एक घरेलू उपाय है, लौकी को अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, हल्के में लेते हैं। आप लौकी लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। लौकी लेने से जो आपको असहनीय दर्द होगा उससे आप बाल झड़ने का दर्द भूल जाएंगे। ये स्टिकर फाड़ना इस कुत्ते को भारी पड़ गया। स्टिकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का था। किसी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। टीडीपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इसे कुत्ते द्वारा सीएम का अपमान बताया है। वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का बताया जा रहा है। यहां वीडियो को लेकर टीडीपी नेता दसारी उदयश्री ने पाया कराब कस्बे के नुन्ना थाने में कुत्ते के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं। 4 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे टहल रहे हैं और 4 जनवरी को ही ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में हैं। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि ये बीच बीच की बात है। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? यस जी हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ जी, कैसे हो? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कैसे हो? ठीक है। और मैं अभी मस्त हूँ। और बताइए क्या कर रहे हो आप? माँ कसम, क्या खेल रहे हैं लोग यार, क्या खेल रहे हैं? बड़े हरामी हो। Seriously, pink guava, just like my शांति बोलना क्या करती हो? जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, आप सोचो, आप बाइक से गए, आपने एक किसी का मोबाइल फोन छीना, सीसीटीवी में बाइक का नंबर आ जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, मोबाइल फोन में सिम लगाओगे पकड़े जाओगे, ऑन करोगे पकड़े जाओगे। हाँ, ये समस्या है। हाँ। मोबाइल फोन जितने का था उतने का एक बकरा आता है। बिल्कुल, है ना? अच्छा, 6 बकरे। हाँ, 15,000-20,000 के बकरे हैं। 15,000-20,000 के बकरे होते हैं। बिल्कुल, तो आपने 2 उठा लिए तो 30,000 हो गया, 5 उठा लिए आईफोन। क्या बात है सर, मोर यू प्रैक्टिस बेटर रिफ्लेक्सेस इट विल। जी सर, आपको ज्यादा मजा बैटिंग में आता था कि बॉलिंग में? क्रिकेट में। फील्डिंग में भी? क्रिकेट। गाइस, वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट में जरूर से बताना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग 250 के स्पेशल Q&A करने वाले हैं। और गाइस, वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी एक मीम है, तो वो जरूर से देख कर जाना। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो विमल बोलो जुबान चले गए, बट एक्चुअली उन्होंने सही में हाथ नहीं लगाया। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, उन्होंने बोला मैं पार्टीज नहीं जाता बॉलीवुड के, और वो रात रात भर चलती है, तो वो एक रूटीन फॉलो करते हैं जहां पे वो सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, एंड वो वर्कआउट करना है। लाइक वो अगर 53 इयर्स के है तो हम उनसे लाइक हाफ, हाँ शायद ना, तो फिर उसमें कैसे हम लोग को, तो फिर भी सुबह उठने में दिक्कत होती है। वर्कआउट चल यार, आज छुट्टी मारते, आज कुछ नहीं,
चल यार आज मोमोज खा लेते, चल यार आज पानी पूरी खा ले, मतलब हम लोगों के माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं है। जो अक्षय कुमार का कंट्रोल है वो खतरनाक है, और जो उन्होंने फिटनेस मेंटेन करके रखा है, हैट्स ऑफ। मतलब लिटरली मैंने ऐसे इंसान को देखा नहीं, मैं उनके इंटरव्यूज देखते, शायद वो विद्यु जामियाल हो, जॉन अब्राहम हो, अक्षय कुमार हो, ये लोग काजू कतली 8 साल से नहीं खाया था। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था जॉन अब्राहम का, लाइक काजू कतली, मैं सारे स्वीट्स को इग्नोर कर सकती हूँ, कलाकंद एंड काजू कतली आई कांट। बाकी सारे स्वीट्स इज ओके, इट्स फाइन, मेरे को नहीं दिया तो भी चलेगा, बट कलाकंद एंड काजू कतली समथिंग आई लव। एंड ये मेरे को सबसे खतरनाक मीम वो लॉकी वाला लगा। क्या है आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, है था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिया लेचा, बाय।